पाकिस्तानी मीरा की पहली हिंदी फिल्म नजर फ्लॉप क्या हुई, उन्होंने बॉलीवुड तो छोड़ा ही, साथ ही बॉलीवुड को जमकर कोसा भी। बॉलीवुड से जुड़े लोगों को उन्होंने अनप्रोफेशनल और अनऑर्गेनाइज्ड जाने क्या क्या कह दिया था। मीरा एक अजीब सी महिला है, वो बहुत मासूम है, उतनी ही पगली किस्म की लड़की है। वो क्या कहती है उसका अंदाज़ा उसको खुद को नहीं होता है, मगर बहुत ही साफ दिल की, बहुत ही दोस्त किस्म की एक खातून है। और हमारे साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पेश आई है, क्योंकि हम टॉलरेट ही नहीं करते हैं, पर उसको बहुत कुछ सीखना है और कहीं पर अपनी लिमिटेशन को भी मानना चाहिए, क्योंकि जो यंगर हीरोइंस हैं उनका एक एज है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ही यहाँ पर काम करती रहूँ और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह नज़र आती रहूँगी मैं आपको फ्यूचर में। लेकिन इसके साथ साथ मेरी पुरानी कमिटमेंट्स थी, वो मुझे कंप्लीट करना उनको बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे मैं समझती हूँ कि काफ़ी अच्छी आपको पेमेंट्स मिलती हैं, तो इसलिए कुछ साल कर ज़्यादा फिल्म्स बॉलीवुड में करूँगी। पाकिस्तान में एक फिल्म, आज मैं अगर एक्ट्रेस हूँ तो फिल्म का आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आपको आपकी चाहे 10 भी हिट हों और 10 भी फ्लॉप हों, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए क्या है, मीरा जैसी नज़र आती वैसी है नहीं, वो एक बददिमाग किस्म की लड़की कभी कभी नज़र आती है, मगर उसके पीछे उसकी इनसिक्योरिटी होती है, उसका डर होता है। एक प्रॉपर एक बेहतर टीम ही और एक प्रॉपर टीम ही एक अच्छी फिल्म बनाती है, तो स्टोरी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू नो, तो पूरा एक सब जितना भी है सब कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए।